Assalam-O-Alaikum guys, this is the universe of knowledge और मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए पेश हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस पर। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या चीज होती है? पैसिव वॉइस का डिफरेंस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या था, जो पीछे हमने जितने भी टेस्ट पढ़े, जितने भी 12 टेंसेस पढ़े हम लोगों ने, वो एक्टिव वॉइस थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। कुछ इतना चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जो कॉमन चीजें हैं उनमें चेंज करना है और आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी जो है पैसिव वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक्टिव वॉइस से कुछ हटकर चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि अभी हमने एक्टिव वॉइस की इतनी प्रैक्टिस की, पैसिव वॉइस की कैसे, नहीं, बिल्कुल वही सेंटेंसेस है, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है जो सब्जेक्ट खुद काम करे, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट खुद काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल। अब ही जो है वो खुद फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल उसको खेलती है या कोई और उससे खिलवाता है, नहीं, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ने खुद काम किया, ठीक है, तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या चीज है? पैसिव वॉइस वो जो सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल खेली गई उसके जरिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट पर काम हुआ, ठीक है, ये जो होता है ये डूअर होता है, ठीक है, ये काम करने वाला, तो ये डूअर या एजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपने याद रखने होंगे, ताकि अगर आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने, और ये बात मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस ISSB के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो इनिशियल आएगा अभी PMA 143 उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का जो सेक्शन आएगा उसके अंदर पैसिव वॉइस के सवाल तो जरूर होंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो सबसे पहला रूल ये है, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे वो मैं भी आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और चौथा पॉइंट है ऑलवेज यूज बी आफ्टर एंड अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना, यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बी यूज करना है। ठीक है, बी यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हमने बी की फॉर्म रखनी है, जैसे कि इज एम आर के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, तो हम बी के साथ ING लगा देंगे, बींग। ठीक है, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास होगा हैज हैव, तो हैज हैव के मुताबिक उसके हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हम हैज हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, ठीक है, विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम इसको सेम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि बी खुद फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यूज बाय बिफोर डूअर और एजेंट, हमने डूअर और एजेंट से पहले बाय को यूज करना है, ताकि हम वहां पे शो कर सकें कि ये काम डूअर कर रहा है। ठीक है, ये काम करने वाला जो काम कर रहा है, उससे पहले हम लोगों ने बाय उसको शो करना होगा कि ये काम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ठीक है, ये है एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, द डॉग चेस दैट कैट, द डॉग चेस द कैट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, चेस्ड, ये क्या है, वर्ब है, और ये द डॉग हमारे पास क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट था। अब जैसे मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, अगर आपने लिख लिए हो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मेरी हर बात को नोट कर लिया करें, और जो मैं दिखाता हूं वो तो खास तौर पर नोट कर लिया करें। सब्जेक्ट जो होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट,
मैंने आपको कहा था, ठीक है, सब्जेक्ट चला गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, आपने इसको सेम एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, आपने इसको सेम एज इट इज लिख लेना है। द कैट वॉज, अब वॉज क्यों आया ये तो मैं आके आपको टेंसेस में बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पैसे वाइज पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वॉस क्यों आया, पर फिलहाल आप अभी इस पे कंसंट्रेट कीजिए जो चीज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये चेज था ना, तो हमने यहाँ पे भी चेज्ड ही यूज किया है, जैसे मैंने कहा था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, और यहाँ पर हुआ बाय का इस्तेमाल, ठीक है, बाय का इस्तेमाल हुआ, और द डूअर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ठीक है, ये यहाँ पर आके हमारे पास डूअर या एजेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है ना इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। द डॉग, ठीक है, द डॉग से पहले हम लोगों ने बाय लगा दिया क्योंकि एजेंट, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है एजेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लेना है। अब ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस, पहले तो एक्टिव वॉइस को मैं डिफाइन कर दूं आपको, एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे था, एक्टिव वॉइस के अंदर था आई एम मेकिंग हिम प्रेजिडेंट, मैं उसे प्रेजिडेंट बना रहा हूं, ठीक है। एक्टिव वॉइस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो इंग्लिश का पहला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने एक्टिव वॉइस को डिस्कस कर लिया था। अगर कोई कोई नया वीडियो देखने वाला है तो प्लीज उस वीडियो को प्ले कीजिए और पहले आप एक्टिव वॉइस को पढ़िए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने बिल्कुल उसको डिफाइन कर दिया, बिल्कुल उसको डिस्क्राइब करके बताया, बहुत आसानी से बेसिक से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस के अंदर इसका क्या होगा, मैंने जैसे बताया था कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपने इसके अंदर फाइंड कैसे करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपने इसमें फाइंड इस तरह से करना है, आप पहले तो सेंटेंस को पढ़िए, आई एम मेकिंग हिम प्रेजिडेंट। अब आपका माइंड क्या कहता है कि इस सेंटेंस के अंदर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम प्रेजिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के बारे में बताया था, ठीक है, आई जो हो गया वो हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेंटेंस है आई एम मेकिंग हिम प्रेसिडेंट, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आई एम मेकिंग हिम प्रेसिडेंट तो आई तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन हो गए, मैं उसको प्रेसिडेंट बना रहा हूं तो उसको जो हो गया वो जो हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया, तो हिम, आई एम मेकिंग हिम प्रेसिडेंट। हम हिम जो है यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो हिम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हिम यहाँ पे आके सब्जेक्ट हो जाएगा, ही बच जाएगा, हिम का जो होता है मैंने आपको पीछे बता दिया है कि हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है ही। अगर कोई नया आए तो वो फर्स्ट वीडियो मेरी लगा के देख ले, फर्स्ट या टू, मेरे माइंड से अभी थोड़ा आउट हो रहा है, मैंने उसमें बिल्कुल बता दिया, ठीक है, इंग्लिश का फर्स्ट, इंग्लिश की जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बता दिया था ये कि ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा, शी जो है वो हर में हो जाएगा, ये सब बातें मैंने उसमें बताई थी, ठीक है, हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, ही इज बीइंग मेड प्रेसिडेंट बाय मी। अब देखें चेंज हो गया बिल्कुल वैसे ही। अब ये कैसे हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट था हिम ये आके बन गया सब्जेक्ट, ये हो गया ही, सही है, यहाँ पे ये है प्रेजेंट, ठीक है, हम is am are का यूज कर रहे हैं, am तो ठीक है, he के साथ is लगता है, he के साथ तो हम am लगा नहीं सकते, am तो सिर्फ I के साथ यूज होता है, he is आ गया he की जगह पे, is इसलिए क्योंकि present है। अब हमने कहा था कि हम हमेशा helping verb के बाद जो है एक be का यूज करेंगे, be, ये be है, अब is आ गया यहाँ पे, तो is के बाद हमेशा fourth form आती है according to the helping verb, इसके बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, तो बीइंग हो गया ये, ठीक है, ही इज बीइंग मेड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस के अंदर, ही इज बीइंग मेड प्रेसिडेंट, ठीक है, ही इज बीइंग मेड प्रेसिडेंट, वैसे ही नीचे उतर गया। अब कौन बना रहा था उसको, अब डूअर कौन है, ठीक है, बाय मी,
ठीक है, समझ में आया। बाई मी, मी जो हो गया वो डूअर हो गया, ही इज बींग मेड प्रेजिडेंट बाई मी, उसे प्रेजिडेंट बनाया जा रहा है मेरे जरिए। ठीक है, मेरे जरिए उस पर काम हो रहा है अब, क्योंकि ये पैसे वाइज हो गया, उस पर काम हो रहा है मेरे जरिए, उसे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है मेरे जरिए। ठीक है, ये पैसे वाइज हो गया और इसकी उर्दू थी मैं उसे प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, इसमें मैं काम कर रहा था। ठीक है, ही इज बींग मेड प्रेजिडेंट बाई मी, उसे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है मेरे जरिए। ठीक है, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह ही है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है, पास्ट हमेशा वॉज होता है। ठीक है, वॉज हो गया, वॉज वर हैड, ये यूज करते हैं हम लोग पास्ट पास्ट में। तो आई वॉज मेकिंग हिम प्रेजिडेंट, मैं उसे प्रेजिडेंट बना रहा था। ठीक है, आई वॉज मेकिंग हिम प्रेजिडेंट, मैं उसे प्रेजिडेंट बना रहा था, बिल्कुल सेम एज इट इज। इसके हिम जो है, इसका हम सर्च करेंगे पहले कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हिम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे सब्जेक्ट हो जाएगा, ही, ये वॉज हो गया। ठीक है, वॉज ही के साथ ही सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वरना अगर प्लूरल होता तो फिर ये आता वर। ठीक है, ही वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बी यूज करेंगे, और बी अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब, वॉज के बाद आई एन जी फॉर्म आती है तो हमने बींग कर दिया, और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म मैड आ गया, मेक मैड मैड। ठीक है, थर्ड फॉर्म मैड हो गई, प्रेजिडेंट बाय मी। ठीक है, उसे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था मेरे जरिए। इसकी सिंपल सी उर्दू ऐसे ही होगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर एक की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो सारे पैसे वाइज आसानी से बन जाते हैं। अब प्रैक्टिस, ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, आपने इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। अपने पास रजिस्टर्स में आप नोट तो कर रहे होंगे, तो इन जो मैंने यहाँ पे सवालात लिखे आप इनको भी नोट कीजिए, और आप इनके जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इनकी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है, चेंज टू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम लोगों ने जो है उसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो सेकंड सेंटेंस है वो है पियानो इज बींग प्लेड बाय मी, ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपने इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। फिर अब ये तो प्रेजेंट था, अब पास्ट, शॉपकीपर वॉज सेलिंग Only fruits. Shopkeeper was selling only fruit. ये active voice का sentence है, आपने इसे passive voice में change करना होगा। ठीक है, मैंने आगे लिखा हुआ है Call for the prayer was being said by a priest. ठीक है, ये passive voice का sentence है, आपने इसे active voice में change करना होगा। आप इसकी practice कीजिए, क्योंकि ये काफी important है। Passive voice जो है वो आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, initial के अंदर तो बहुत ज्यादा आते हैं। अब आते हैं perfect की तरफ। अच्छा सॉरी, हमने इसमें फ्यूचर यूज नहीं किया, पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर का यूज कंटिन्यूस में नहीं होता। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम इसका एक्टिव वॉइस डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, I have made him president. मैं उसे president बना चुका हूँ। ठीक है, इसकी उर्दू हो गई। Active voice हम पढ़ चुके हैं पीछे, और passive voice, इसका passive क्या होगा? इसका passive होगा, इसमें भी हमने पहले search करना object him he है तो he इधर आ जाएगा, he, अब he singular है तो हम हमेशा has का use करेंगे, I भी singular है। ठीक है, I भी singular, लेकिन have का use हुआ क्योंकि English का rule है, ये इंग्लिश का रूल है कि आई के साथ हैव यूज होगा, यू के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, ही के साथ हैज होगा क्योंकि ही सिंगुलर है, ही हैज बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद बी को ऐड करना है हमने, और उसको भी अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब, हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो बी की जगह बीन हो गया। ठीक है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्रेजिडेंट बाई मी, ही हैज बीन मेड प्रेजिडेंट बाई मी, वो प्रेजिडेंट बन चुका था मेरे जरिए। ठीक है, सिंपल सी उर्दू हो गई इसकी, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट पे आ जाते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस डिस्कस करते हैं पहले। तो आई हैड मेड हिम प्रेजिडेंट, मैं उसे प्रेजिडेंट बना चुका था। ठीक है, अब था की बात हो गई क्योंकि पास्ट है। पैसिव वॉइस, इसका पैसिव क्या होगा, हिम की जगह ही आ जाएगा,
हैड सेम एज आ जाएगा, सही है, बीन आ जाएगा क्योंकि हैड जो है थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, बी का तो हम लोगों ने ऐड करना ही था जैसे हमने रूल्स में पढ़ा, मैड मैक की थर्ड फॉर्म है मैड, तो हमने वर्ब की भी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्रेजिडेंट सेम एज आ जाएगा बाई मी, ही हैड बीन मेड प्रेजिडेंट बाई मी, वो प्रेसिडेंट बन चुका था मेरे जरिए, ठीक है, सिंपल सी उर्दू ऐसी हो जाएगी। लेकिन उर्दू इसकी इतनी यूज नहीं होती, पैसे वाइज की उर्दू जो है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसके अंदर पैसे वाइज के अंदर परफेक्ट के साथ फ्यूचर का जो टेंस है वो इंक्लूड है, ठीक है, कंटिन्यूस के साथ नहीं था लेकिन फ्यूचर के साथ है, तो हमने इसको लाजमन पढ़ना है क्योंकि इसके सवाल भी आ जाते हैं इनिशियल के अंदर। तो एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव क्या होगा, आई विल हैव मेड हिम प्रेसिडेंट, मैं उसे प्रेसिडेंट बना चुका हूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं उसे प्रेसिडेंट बना चुका हूंगा। अब इसका पैसिव क्या होगा, हिम की जगह ही आ जाएगा, ठीक है, विल तो वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, हैव भी नीचे वैसा का वैसा आ जाएगा। अब हम लोगों ने एक बी को इंक्लूड करना होता है तो हम वर्ब से पहले उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो बीन आ जाएगा क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस के अंदर, प्रेसिडेंट सेम एज इट इज आ जाएगा और बाय मी, ठीक है, ही विल हैव बीन मेड प्रेसिडेंट बाय मी, वो प्रेसिडेंट बन चुका होगा मेरे जरिए, ठीक है, मेरे जरिए बाय मी, ठीक है, बाय मी है तो मेरे जरिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस, इसकी अभी हमें प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस भी करनी होगी, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमसे हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये लिटिल बिट हार्ड होते हैं थोड़े से। ये मैंने प्रेजेंट के अंदर इसका लिखा है एक हैज अली लॉक द डोर, ठीक है, इससे मैंने इंट्रोगेटिव में किया है ताकि आप इंट्रोगेटिव के अंदर भी अगर वहां सवाल आए तो आप इसे बना सकें। आपने ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई आपने जरूर करना है इसको, हैज अली लॉक द डोर, इसको आपने पैसिव वर्ब में चेंज करना है, ठीक है। जो दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, Have you not been informed by Umar? ठीक है, ये आपके पास passive voice है, इसे आपने active में change करना है, ठीक है। ऊपर वाला active है, passive में करना है, ये passive में इसे active में करना है, ठीक है। अब past की बात करते हैं, past में she had boiled an egg, ठीक है, ये active voice का sentence है, आपने इसे passive voice में change करना है। और ये जो है आपके पास passive voice है, active voice में करना है, had her hands not been washed by her, ठीक है, ये आपके पास पैसे वाइज, इसको एक्टिव वाइज में करना है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे आप गलत करें जैसा भी करें, सेंटेंसेस आपको हार्ड लगेंगे लेकिन मैंने जो पीछे आपको समझाया है अगर आप उसे बार बार रिपीट करें, बार बार सुने या बार बार उसको पढ़ें तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। अब फ्यूचर, चाइल्ड विल कन्वेड माई मैसेज, ठीक है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, हमें इसे पैसे वाइज में करना है, ठीक है। Clerk will have been dismissed by the officer, ठीक है, ये passive voice का sentence है, इसे हमें active voice में करना है, ठीक है, कुछ भी hard नहीं है, आपने सिर्फ इस sentences को register में उतार लेना है और इनकी अच्छे से practice करनी है, ठीक है। और अगर आपको और भी सवाल चाहिए तो आप मुझसे discuss कर सकते हैं, मैं आपको आगे अपने FB का जो पेज है मेरा वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप उस पर एड हो जाइए, ठीक है। मैं उस पर काफ़ी चीज़ें, मैं उस पर जो है सैम्पल पेपर वो मैं आप आगे डिस्कस करूंगा, जब मैं पेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको PMA का सैंपल पेपर देने वाला हूं जिससे आप अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं 100 MCQs की बिल्कुल उसी तरह आप वो टेस्ट में आपको दूंगा जैसा टेस्ट जो PMA के अंदर इनिशियल में आता है, ठीक है, बिल्कुल सैंपल पेपर मैं आपको वो दूंगा कि वहां पे टेस्ट किस तरह आता है ताकि आपको अंदाजा हो, एक आपके पास हो कि किस तरह का वहां पे टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस इसका पहले डिस्कस करते हैं, आई मेक हिम प्रेजिडेंट, ठीक है, मैं उसे प्रेजिडेंट बनाता हूं, ठीक है, हमने हैबिट इसमें शो करनी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो हम इसका ता ती ते इस टाइप के की जो इसकी उर्दू होगी वो हमें यूज करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। अब इसका पैसिव क्या होगा, अब हमने दोबारा इसको सर्च करना है, ही हिम जो होगा वो ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ये होगा, ठीक है, ही इज मेड प्रेसिडेंट बाय मी। अच्छा, अब इसमें हमने बी को यूज नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस जो है ना वो खुद बी की फॉर्म है,
ठीक है, ही इज मेड प्रेसिडेंट बाय मी, ठीक है। बी जो है वो खुद इज जो सॉरी इज जो है वो खुद बी की फॉर्म है, तो हम यहाँ पे बी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे इज के बाद, जैसे बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है, तो बिल्कुल उसी तरह इसके बाद भी फोर्थ फॉर्म यूज होती है, पर ये शर्त थी कि शर्त है ये पैसिव वॉइस के अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे रूल्स में बार बार आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप इसको भूल ना जाए, ठीक है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, प्रेसिडेंट बाय मी, ठीक है। बाय मी तो हमने बताना है क्योंकि मेरे जरिए, जाहिर सी बात है। ही इज मेड प्रेसिडेंट बाय मी, उसे प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बनता है मेरे जरिए, ठीक है। इसकी ऐसी उर्दू हो जाएगी, उर्दू इसकी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती क्योंकि इसकी उर्दू जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसकी उर्दू को नहीं बोला जाता ज्यादातर, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वर्सेस का डिस्कस करते हैं। आई मेड हिम प्रेसिडेंट बाय, सॉरी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है, ये लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। आई मेड हिम प्रेसिडेंट, सिर्फ इतना, आई मेड हिम प्रेसिडेंट, बाय मी को छोड़ दीजिए, वो रॉन्ग है, ठीक है। आई मेड हिम प्रेसिडेंट, अब इसका जो एक्टिव है वो ये है, आई मेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फिर से सर्च करना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ ही के पास ही बना देंगे इसको, ही हिम जो है ही में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास मैड है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम वॉज को यूज करेंगे। मैंने बताया था वॉज जो है पास्ट के लिए यूज होता है, और उसी तरह इंडेफिनिट के अंदर बी का यूज नहीं करेंगे, वॉज के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेसिडेंट बाय मी, ठीक है। वो प्रेसिडेंट बनता था मेरे जरिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके अंदर भी हम फ्यूचर का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूचर का यूज इसमें भी होगा, सिर्फ एक कंटिन्यूस के अंदर फ्यूचर का यूज नहीं होता, बाकी सब में फ्यूचर का यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस डिस्कस करते हैं। आई विल मेक हिम प्रेसिडेंट, मैं उसे प्रेसिडेंट बनाऊंगा, ठीक है। अब इसका पैसिव क्या होगा, बिल्कुल हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही विल, विल सेम एज आ जाएगा। अब यहाँ पे बी, क्योंकि विल जो है वो उसकी फॉर्म नहीं है, बी की फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ बी को यूज करेंगे। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद बी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी एज इट इज आ जाएगा। ही विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय मी, वो प्रेसिडेंट बनेगा मेरे जरिए, ठीक है। सिंपल से इसकी उर्दू ऐसे हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर से मेरे लेक्चर को सुनिए, दो तीन दफा सुनिए ताकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ISSB के अंदर इंग्लिश जो है ना वो सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। ISSB के अंदर इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा मेन है, आप लोगों ने इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस, अब इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। प्रेजेंट, ही अब्यूसेस मी, ठीक है, ये एक्टिव है, इसे आपने पैसिव में चेंज करना होगा। Is a fish caught by me? Is a fish caught by him? ठीक है, इस ये जो है आपके पास पैसिव है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना होगा, सही है। She wrote a letter, ये आपके पास एक्टिव है, आपने इसको पैसिव में चेंज करना होगा। Didn't you see that movie? ठीक है, ये पैसिव है, आपने इसको एक्टिव में चेंज करना होगा। अब फ्यूचर, they will hold a meeting, ठीक है, इसको ये एक्टिव है, ये एक्टिव है तो आपने इसको पैसिव में चेंज करना होगा। विल आई नॉट बी वेलकम्ड बाय मी, ठीक है, ये जो है पैसिव है, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली सॉरी, मैं आज दिन में दो वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं काफी थकावट फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ा बोलने में मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है FB पे, फेसबुक पर ISSB इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने पेज बनाया है, यहाँ पर मैं आपके लिए जो PMA 143 का सैम्पल पेपर यहीं पे मैं अपलोड करूँगा। और अगर वहाँ पर कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे एडवाइस किया तो फिर मैं जो है उसे यहाँ अपनी उस पर डिस्कस करूँगा, तो मैं वैसे भी यहाँ वीडियो में उसे डिस्कस करूँगा, कुछ भी हो जाए वीडियो में तो मैं उसे डिस्कस करूँगा, आप लोगों के लिए उसे डिफाइन करूँगा, लेकिन 100 MCQs को डिफाइन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सैंपल पेपर दे ही इसलिए रहा हूँ ताकि आप मेरा सैंपल पेपर लें और उन सवालात को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप सारे 100 सवालात को देख लें, मतलब 100 सवालात को पहले तो आपने खुद देखना है,
ना किसी बुक की मदद लेनी है, ना किसी इंटरनेट की मदद लेनी है, किसी भी चीज की मदद नहीं लेनी है आपने। पहले तो आपने उसको खुद सॉल्व करना है, खुद आपने उसके आंसर आपको जितना पता है, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी के अंदर है, ठीक है, आपको आता कितना है। अगर आप इनिशियल देने जा रहे हैं तो आपको आता कितना है, ठीक है। उसके अंदर मैं जनरल नॉलेज भी इंक्लूड करूंगा, पर डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अभी तक जनरल नॉलेज पढ़ा ही नहीं, ऐसी तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो है वो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और IQ जब तक आप लोगों को समझाई ना जाए ना, आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोगों को इन दोनों का आना बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज तो आप रट्टा लगा सकते हैं, उसका तो वो रट्टा चल जाता है, लेकिन इनका रट्टा नहीं चलता, इसके अंदर काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आंसर्स विल बी शो ऑन दिस पेज, इस पेज पर मैं इन जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं उन सब के आंसर्स मैं इस पेज पर डालूंगा, ठीक है। लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, आपने डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद FB पे आपने इसको लाइक कर लेना है और शेयर भी कर दें, ताकि बाकी सबको भी ISSB के बारे में मालूमात हो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि वो भी इस बात का फायदा उठाएं और ISSB की प्रैक्टिस कर सके। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसी सेल्फिश थॉट है, तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को कि आप सेल्फिश ना हो, क्योंकि सेल्फिश अगर आप हैं तो फिर तो आप वैसे भी ISSB के लिए क्लियर नहीं है। ISSB के लिए तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लेते ही उस इंसान को है जो सादा होता है, जो सिंपल होता है, ठीक है, जो सबकी मदद करना जानता है, जो एज अ लीडर काम करता है, जो सबकी मदद, सबको एक साथ लेकर चलता है, वो होता है ISSB के अंदर सेलेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सेल्फिश नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, सबकी मदद करनी है, और जब आप सबकी मदद करोगे ना तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो आपने मेरी बातों को गौर देना है, आप लोगों ने इसको घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मुझसे सवालात करने हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे सवाल करता है, मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो अगर आप मुझसे सवालात नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो आप मुझसे सवालात कीजिए, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट नोट सा, आप मुझसे कमेंट्स पे सवालात कीजिए, मुझे आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस दीजिए, और नोट्स तो मैं आपको शेयर करूंगा अगर आप लोग मांगेंगे तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आने वाली वीडियोस को और जो है इम्प्रेस होके, आप लोगों से इम्प्रेस होके, यानी आप लोग मुझे एक्शन देंगे कुछ ना कुछ, तो मैं भी उसका रिएक्शन दूंगा आप लोगों को कुछ ना कुछ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद।